Hello everyone, welcome to fifth lecture of regular expression. अब हम यहाँ पे regular expression तो हमने बहुत सारे बना लिए. अब regular expression से finite automata या finite automata आपको दिया है, उससे regular expression कैसे लिखे? तो अगर मैं लिखूँ तो finite automata to regular expression, आपको finite automata दिया है, कुछ आप इस तरीके से चलेंगे. अभी आपको finite automata दिया है, अब आप उस finite automata से regular expression कैसे बनाएंगे वो हम देखने की कोशिश करते हैं. क्लियर? चलो अब ये देखो, आपको एक finite automata दिया हुआ है, कह रहा है इस finite automata से आप regular expression लिख दो. अब आप बताओ आपको मेन टारगेट क्या होता है. योर मेन टारगेट इन फाइनाइट ऑटोमेटा इज व्हाट? टू स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट एंड रीच टू अ फाइनल स्टेट. क्या ऑब्वियस है ना, आप स्टार्ट करोगे और फाइनल में पहुंचने की कोशिश करोगे, तो उसके लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है. चलो तो जीरो से स्टार्ट किया और वन लेते हुए हम क्यू टू पे पहुंच गए, तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो गया? जीरो वन हो गया. बस सिंपल सी बात है, बहुत ईजी. तो जीरो वन हो गया इसका रेगुलर एक्सप्रेशन. चलो अगर नहीं सुन में तो ये वाला क्वेश्चन देख लो. ये क्यू वन फाइनल स्टेट है. क्लियर? अब देखो यहां पे कह रहा है क्यू नॉट से अगर आप जीरो दें तब भी आप क्यू वन पहुंच जाएंगे. क्यू नॉट में अगर आप वन दें तब भी, या तो आप जीरो दें या तो आप वन दें. जब या की बात आ सकती है तो मैं जीरो प्लस वन नहीं लिख सकता हूं. क्लियर? और होता है यूनियन, या तो जीरो या तो वन, दोनों ही से आप फाइनल में पहुंच रहे हैं. तो जीरो प्लस वन, या तो जीरो या तो वन. क्लियर? ये आपके लिए हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन. क्लियर? तो ये सेकंड रेगुलर एक्सप्रेशन आपने लिख दिया. और अगर थर्ड के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन देखें, कह रहा आप ए से चले Q1 पे B आया, ठीक है, और B कितनी बार भी आ जाए आप यही घूमते रहेंगे, लेकिन B के बाद जैसे ही C आएगा आप Q2 पे पहुंचेंगे. तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं यार, A चले B कितनी बार भी आए और फिर C आए, या B एक बार भी ना आए सिर्फ AC आ जाए तब भी आप फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे. तो अगर मैं इसके लिए ये लिखने की कोशिश करूं A B स्टार C, तो क्या ये सही है? 100% सही है बॉस. क्यों सही है यार? देखो ना यार, ए बी कितनी बार भी आए तो जब कितनी बार भी आया तो बी स्टार की कॉम्बिनेशन, एक बार भी ना आए तो जब पावर जीरो होगी तो एक बार भी नहीं आएगा. तो ये 100% सही है, एसी से भी काम चल जाएगा. क्लियर? चलो चौथा देखो. चौथा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आई लव दिस क्वेश्चन. दिस इज जस्ट लाइक कैटरीना, ठीक है, सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन. सी दिस, सी दिस. तो दिस क्यू नॉट कह रहा है कि कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो तब भी आप फाइनल स्टेट में हो, कुछ भी ना आए तब भी आप फाइनल स्टेट में, या जीरो और वन से घूम के आए तब भी आप फाइनल, मतलब जीरो वन से घूमते रहे तब भी आप फाइनल स्टेट में आते रहेंगे, या कुछ भी ना करें तब भी आप फाइनल स्टेट में आएंगे. क्लियर? तो जरा मैं अगर इसको लिखने की कोशिश करूं, कुछ भी ना करूं तब भी फाइनल स्टेट में हूं, या जीरो वन का स्टार लगा दूं तब भी मैं फाइनल स्टेट में हूं, और जीरो वन के स्टार में क्या आ रहा है, खुद एप्साइलन आ रहा है ना. जीरो वन की पावर जीरो होगी पहले तो भी एप्साइलन, और जब एप्साइलन से जीरो को जोड़ेंगे तो व्हाट यू फाइनली गेट इज व्हाट, जीरो वन का स्टार. तो आंसर इज व्हाट, जीरो वन का स्टार. क्लियर? तो जीरो वन कितनी बार भी आएगा यू गेट आंसर क्यू नॉट. क्लियर? यू रीच द फाइनल स्टेट. तो ये तो तीन हो, चार हो गए हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए. ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो गए आपके चार क्वेश्चन के लिए. क्लियर? तो ये तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया. अब मैं अपना डस्टर फिर से ढूंढ लू. यार मैं कसम से भुलक्कर बहुत बड़ा हूं यार, डस्टर कहां रख देते हो यही मुझे समझ में नहीं आता भाई. डस्टर में जा, मिल जा रे डस्टर, मिल गया मिल गया मिल गया, ठीक है डस्टर भूल जाता हूं मैं. चलो तो अब यार ऐसा करते हैं ना, इन क्वेश्चंस को मिटा देते हैं, जगह नहीं मेरे पास, फिर इनको मिटा दूंगा, मिटा दो पक्का ना. देख लो, देख लिया ना आपने? चलो ओके, तो मैं इनको मिटा देता हूं. ओके 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 ओके. चलो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ ए आए, सिर्फ ए आए तब भी आप, सिर्फ ए आए तब भी आप क्या पहुंच सकते हो, क्यू नॉट पे पहुंच सकते हो. सिर्फ ए आए तब भी आप क्यू नॉट पे पहुंच सकते हो, ठीक है. उसके बाद बी और सी आए तो भी आप बी, उसके बाद सी आ जाए, बी सी आ जाए कितनी बार भी तब भी आप उसमें पहुंच सकते हो. तो मैं एक जरा लिखने की कोशिश करता हूं, ए स्टार आए ए या बी सी स्टार आए, मैं कर सकता हूं ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, या मैं इसके लिए एक और लिख सकता हूं ए स्टार इनटू बी सी स्टार. तो ये दोनों ही रेगुलर एक्सप्रेशन मेरे हिसाब से सही है. और चेक करते हैं क्या ये दोनों ठीक है, क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन ठीक लिखे हैं, क्या ये फाइनाइट ऑटोमेटा इससे, इसके द्वारा जनरेट की गई हर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर पाएगा. अगर कर पाएगा तो ठीक है, हम लोग देख लेंगे, अगर नहीं कर पाएगा तो स्टार्ट करते हैं. चलो अब जरा इस क्वेश्चन पे मुझे बताओ, कह रहा है ए स्टार प्लस बी सी स्टार, इसमें क्या क्या ऑप्शंस है, कि या तो सिर्फ ए आए या तो बी सी आए तो भी आपका काम करना चाहिए. अगर मैं कहूं कि, अगर आपको कहूं कि
एक स्ट्रिंग आती है इस केस के लिए, इस वाले केस के लिए, ए बी सी, एक स्ट्रिंग आती है ए बी सी, ए बी और सी, तो ए बी सी इज एक्सेप्टेड। क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन एबीसी जनरेट कर पा रहा है? नहीं, या तो या ए के कॉम्बिनेशन जनरेट कर रहा है या तो ये बीसी के कॉम्बिनेशन जनरेट कर रहा है। सिर्फ एबीसी अगर मैं जनरेट करना चाहूं तो ये उसे नहीं कर पा रहा है, तो मेरे हिसाब से ये लिखना यहां पे थोड़ा सा गलत होगा। क्यों? क्योंकि एबीसी भी दूसरे के एक्सेप्टेड, आप चार्ट चला के देख लो, ए ए बी और सी एक्सेप्टेड है, लेकिन ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ये एबीसी जनरेट ही नहीं कर पा रहा है। या तो ये ए के कॉम्बिनेशन जनरेट कर रहा है या तो ये बीसी के मल्टीप्लाई, आओ इसको देखें, हाँ ये कर दे रहा है यार, एबीसी के कॉम्बिनेशन ये जनरेट कर दे रहा है। तो अगर इस स्टार की पावर वन है और इसकी पावर वन है तो एबीसी गुड, ये वाला काम तो हो गया, वेरी गुड, ये तो यार मस्त कर रहा है, ये वाला सही लग रहा है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, अगर मेरी एक स्ट्रिंग आ जाए बी सी ए, बी बी क्यू नॉट पे बी आया, बी सी और ए, तो बी सी ए भी तो एक्सेप्ट होनी चाहिए। क्या ये बी सी ए एक्सेप्ट जनरेट कर पा रहा है? जरा चेक करो, ये कभी भी बी सी ए जनरेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ए इसके साथ चिपका हुआ है स्टार्टिंग में, तो जब ए स्टार्टिंग में चिपका हुआ है तो ये हमेशा ए को पहले ही जनरेट करेगा, बी सी ए सी के बाद ए को जनरेट नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन ठीक नहीं है यार, सही नहीं आ रहा यार, मजा नहीं आ रहा। आओ एक चीज और देखते हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं ए स्टार प्लस बी सी का स्टार का होल स्टार, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? और जरा देखते हैं क्या ये सही है। और मैं आपको मेरा सेकंड लेक्चर देख लो आप, मैंने उसमें आपको एक चीज कराई है कि a प्लस बी का होल स्टार इज इक्वल टू a स्टार प्लस बी स्टार का होल स्टार, क्लियर? तो मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं कि a प्लस बी का स्टार देखिए, चाहे a स्टार बी स्टार का होल स्टार देखिए, बात एक ही है। तो ये भी तो वही चीज है, a स्टार बी स्टार का होल स्टार, तो हम इसको क्या ये नहीं लिख सकते क्या बाई दिस ए प्लस बी सी का स्टार, ए प्लस बी सी का स्टार, हाँ लिख सकते हैं, क्लियर? अब आओ, अगर मैं इसकी पावर, अब इसकी पावर अगर मैं टू ले लू, अगर वन लूंगा तो या तो ए आएगा या तो बी सी आएगा, लेकिन अगर पावर टू ले लू, अगर पावर टू ले लू तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी सी। चलो आओ मल्टीप्लाई करो पहले ए से, ए तो आंसर आ गया, ए ए फाइनली एक्सेप्टेड है, एक आ गया तुम्हारा BCA, तो BCA जो जिसकी दिक्कत आ रही थी एक्सेप्टेड, मिल गया बॉस, वेरी गुड, ये भी कर रहा है। चलो A से तो हो गए, आओ BC से मल्टीप्लाई करें, एक आ रहा है आपका ABC, ABC, ABC भी आ रहा है इसमें, वाह वाह वाह, जो इसमें दिक्कत आ रही थी वो इसमें आ रहा है, गुड। और एक BC को BC से मल्टीप्लाई कर दो तो एक आ रहा है BC BC, एक आ रहा है BC BC, क्लियर? तो एक आ रहा है BC BC, तो ये भी हो गया। तो चारों ऑप्शन, तो BC BC भी देख लो, BC BC फाइनल ओरिजिन का फाइनल स्टेट, तो ये धांसू था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही था। क्या इसका तो फाइनली आंसर इज व्हाट? फाइनली द आंसर इज, तो फाइनली व्हाट वी कैन डू इज व्हाट, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस BC का होल स्टार, क्लियर? तो द करेक्ट आंसर इज ए प्लस बी सी का होल स्टार, तो ए प्लस बी सी का स्टार इज गिविंग यू ऑल द ऑप्शंस। तो ये बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखना, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको दिमाग में रखना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, क्लियर? तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ी कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। एक बार मैं टाइम देख लूं, वीडियो 8 मिनट की होगी, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, बस ज्यादा। तो ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ गया, तो इसका आंसर फाइनली व्हाट यू गेट द आंसर ऑफ दिस, द आंसर ऑफ दिस इज a प्लस बी सी का होल स्टार, a प्लस बी सी का होल स्टार, क्लियर? ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ ये आंसर सही है, क्लियर? तो मैं बाकी मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ इसको, ओके 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 ओके, चलो तो द आंसर ऑफ दिस इज a प्लस बी सी का स्टार, द आंसर ऑफ दिस इज a प्लस बी सी का होल स्टार, क्लियर? चलो अब छठवां क्वेश्चन को देखो, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए से आप Q1 पे जा सकते हैं, तो ए से मैं Q1 पे जा सकता हूं, लेकिन उसके बाद अगर आपको फिर से फाइनल स्टेट में आना है तो आपको बी ए बी ए बी ए के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। तो आपको पहले ए तो जाना ही पड़ेगा, ए तो पहले आपको चाहिए चाहिए, उसके बाद आप बी ए के कितने भी कॉम्बिनेशन बना दे, यू गेट द आंसर। सो ये हो गया इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, करके देख लो।
अगर सिर्फ a आ रहा है तो इसकी पावर जीरो है तो सिर्फ a से भी एक्सेप्ट हो रहा है, या a b a आ रहा है, a b a तो यू आर गेटिंग, या टू है तो क्लियर यू आर गेटिंग फाइनली आंसर। तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। चलो आओ जरा इसको देखते हैं, सातवें क्वेश्चन को, दिस इज सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं जरा ध्यान से, कह रहा है कि सेवेंथ क्वेश्चन में कुछ लिखना भूल गया। सेवेंथ क्वेश्चन यहां पे a है और यहां पे c है, ये क्लियर। तो ये सेवेंथ क्वेश्चन है, चलो ओके। तो सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है कि या तो आप सिंपल a दे दें तो आप फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे, और एक बार आप फाइनल स्टेट में पहुंच गए तो b कितनी बार भी दे दें, दैट इज b स्टार b कितनी बार भी दे दें तो भी आप फाइनल में रहेंगे, या c और a दे दें, c और a कितनी बार भी दे दें तो भी आप क्या होंगे, फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, फिर मैं बता रहा हूं, a प्लस बी का स्टार को आप क्या लिख सकते हो, a स्टार प्लस बी स्टार का होल स्टार, ठीक है। a स्टार प्लस b का होल स्टार क्लियर, ये लिख सकते हो। अच्छा पहले आप इसको पूरा तो कर ले, तो मैंने क्या बताया, b स्टार हो सकता है क्लियर, या c a स्टार हो सकता है, और ये कितनी बार भी हो सकते हैं, ये कितनी बार भी हो सकते हैं ना, इनका कॉम्बिनेशन भी तो कितनी बार भी हो सकता है ना, ये कितनी बार भी हो सकता है, तो ये हो गया। और मैंने बताया था इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ इतना लिख सकते हैं, तो आई कैन सिंपली राइट a b प्लस c a का होल स्टार, क्लियर। तो ये हो गया, तो ये हो गया इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, किसका, सातवें का, क्लियर। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं मेरी सेकंड वीडियो देख लो, आप बार बार बोल रहा हूं सेकंड वीडियो देख लो रेगुलर एक्सप्रेशन की, क्लियर। तो अब बस लास्ट क्वेश्चन बचा है मेरे पास, आठवां क्वेश्चन। चलो आठवां क्वेश्चन, मैं नीचे बैठ जाता हूं। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि आप ए कितनी बार भी दें, अभी आप फाइनल में पहुंच नहीं रहे, आप बी जब बी देंगे तभी जाके आप फाइनल स्टेट में पहुंचेंगे। तो अगर मैं इसे कहूं कि अगर मैं ए स्टार कितनी बार भी दू लेकिन साथ में जब बी दू तब जाके मैं फाइनल स्टेट में पहुंचूंगा, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि इतना तो आपको चाहिए। अब आप फाइनल में पहुंच गए, अब आप चाहे तो सीधे तब भी फाइनल में पहुंच रहे, चाहे तो आप डी ए का कॉम्बिनेशन और बी का कॉम्बिनेशन दें तब भी आप फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हैं, तो या तो आप सी स्टार दें क्लियर, या तो आप डी दें ए स्टार दें और बी दें का होल स्टार दें और इनका स्टार दें ना, इसके भी कितनी बार भी घूम सकते हैं ना, कितनी बार भी मैक्सिमम कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो भी हो सकता है, और फिर मैं बता चुका हूं इसको आप ये लिख सकते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं ए स्टार बी सी प्लस डी ए स्टार बी का होल स्टार, तो मैं इस तरीके से इसको भी लिख सकता हूं, तो इस तरीके से काम कर सकता हूं। तो इसका ये राइट आंसर हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अब हमने क्या सीखा, फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना सीखा। अब मैं आर्डेंस थ्योरम, इसके बाद वाली वीडियो में आर्डेंस थ्योरम से ये, तो ये क्वेश्चंस क्या है, ये डायरेक्ट एग्जाम में अब आप बैठ के, आपका गेट का एग्जाम है, नेट का एग्जाम है, अब बैठ के आप आर्डेंस थ्योरम नहीं लगा रहे हो वहां पे, आपको जल्दी जल्दी एक दिमाग लगाना है यार, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम शायद कुछ इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे और फिर आर्डेंस थ्योरम से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। पता तो होना चाहिए ना, आप हो सकता है गेट और नेट की तैयारी ना कर रहे हो, आप एक स्कूल के स्टूडेंट, एक कॉलेज के स्टूडेंट हो, आप बीटेक कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी कोई भी ऐसा कोई कोर्स कर रहे हो जिसमें ऑटोमेटा है, तो आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग गुंद्रा क्लासेस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, मैडम प्लीज कर दो ना यार, प्लीज सर आप भी कर दो यार, प्लीज, थैंक यू सो मच। हाँ, और लोगों को बता देना अगर ठीक लग रहा हो तो, थैंक यू।